हेलो डिविडेंड लवर्स, आपका स्वागत है एक और नई डिविडेंड वाली वीडियो में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आने वाली वीक में कौन कौन सी कंपनियों ने डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी 4 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के अंदर किस किस ने डिविडेंड अनाउंस किया है। और ये वीडियो सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, हम लोग इस टाइप की वीडियो हर सैटरडे संडे अपलोड करते हैं क्योंकि आप लोग डिविडेंड से भी इनकम कर सकें। इस वीडियो में आपको पता चलेगा किस किस कंपनियों ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है और आपको डिविडेंड के लिए अगर एलिजिबल होना है तो आपको कब अप्लाई करना होगा, मतलब उस कंपनी का कब तक आपको शेयर खरीद लेना होगा कि आपको डिविडेंड मिल जाए। तो चलिए देखते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में एक बोनस राउंड है। और मैं हूँ अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट विद अविनाश। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको एक डाटा दिखाऊं, ये देखिए इस डाटा के हिसाब से कितने सारे लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं वीडियोस। कोई मेहनत कर रहा है तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है सब्सक्राइब कर देने का, तो आप देख लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा फॉर द फ्यूचर अपडेट। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट वीक यानी 4 to 8 अप्रैल के अंदर 3 कंपनियों ने डिविडेंड अनाउंस किया। चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी कंपनी है। फर्स्ट कंपनी है विप्रो। विप्रो एक आईटी सेक्टर कंपनी है, आपको भी पता है ये आईटी बेस्ड सॉल्यूशन बनाती है और बहुत अच्छी कंपनी है। इसकी फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छी हैं इस कंपनी की, और इस कंपनी का अभी शेयर प्राइस चल रहा है 600 रुपीज़ के करीब। और इस कंपनी ने 5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर आपको इस शेयर्स का एलिजिबल होना है इस शेयर्स का डिविडेंड के लिए, तो आपको 5 अप्रैल से पहले शेयर्स खरीदना होगा, यानी 4 अप्रैल तक आपको शेयर्स बाई कर लेना होगा। अगर 4 अप्रैल तक आपने बाई कर लिया या पहले से आपके पास विप्रो का शेयर पड़ा हुआ है, जितना शेयर है उस पर 5 रुपीज़ करके डिविडेंड पर शेयर आपको मिलने वाला है। क्योंकि पता है एक्स डिविडेंड डेट के एक दिन पहले आपको शेयर्स लेना होगा, तभी आपको रिकॉर्ड डेट में आएगा। रिकॉर्ड डेट में अगर आपका नाम रहता है तभी, क्योंकि अगर आप एक्स डिविडेंड डेट तो 5 तारीख कंपनी ने सेट किया, अगर आप उस दिन शेयर्स लेंगे तो आपको भी पता है T+2 का सेटलमेंट चलता है। अगर T+2 का सेटलमेंट चलेगा तो रिकॉर्ड डेट तक आपका नहीं हो पाएगा, इसीलिए बोला जाता है एक्स डेट का एक दिन पहले तक शेयर्स आपको ले लेनी है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी कंपनी क्या है। और हमारी दूसरी कंपनी द्वारिके सुगर इंडस्ट्रीज़ है। ये एक सुगर की कंपनी है और इस कंपनी एक मार्केट लीडर है सुगर इंडस्ट्री में। और ये कंपनी साथ साथ इथेनॉल, जो आपको पता ही है फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, इथेनॉल मैन्युफैक्चर करती है सुगर से, जो उसका प्रोडक्ट से लास्ट में निकलता है, और सैनिटाइज़र भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इस कंपनी का अभी शेयर प्राइस करीबन 126 के करीब चल रहा है। और इस कंपनी ने 2 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। और इस कंपनी ने एक्स डिविडेंड डेट 7 अप्रैल को रखा है, यानी आपको 6 अप्रैल तक शेयर्स बाय कर लेने होंगे या आपके पास पहले से होने चाहिए। तो आपको टाइम कितना मिल रहा है, अगर आप ये वीडियो मंडे देख रहे हैं तो आपके पास मंडे मार्केट क्लोज होने के पहले का टाइम है, फिर ट्यूजडे, फिर वेंसडे तक आपको टाइम मिल रहा है, यानी 6 अप्रैल तक आपको टाइम है। 6 अप्रैल तक आपको बाय कर लेना है, वरना उसके बाद नहीं आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आप तो समझ गए द्वारिके के बारे में। अब देख लेते हैं थर्ड कंपनी। और थर्ड कंपनी का नाम है इडिलुइस फाइनेंशियल सर्विस। और ये कंपनी एक फाइनेंशियल सेक्टर से है, और ये कंपनी ना बहुत बड़ी नाम है ब्रोकरिंग इंडस्ट्री में भी। और इस कंपनी का अभी शेयर प्राइस अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं 58 रुपीज़ के करीबन चल रहा है। और इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 0.25 पैसा। अगर आप देखें तो डिविडेंड उतना कुछ ऑयल एंड गुड नहीं दे रही है कंपनी, बट शेयर प्राइस भी इस तरह देखा जाए तो बहुत कम है, under 60 रुपीज़ है, तो आप देख सकते हैं। और इस कंपनी ने अनाउंस किया है एक्स डिविडेंड डेट 7 अप्रैल, यानी आपको 6 अप्रैल तक बाई कर लेने होंगे, या फिर आपके पास 6 अप्रैल से पहले इस कंपनी के शेयर होना चाहिए, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। देखा जाए तो इस कंपनी ने उतना कुछ इस बार अच्छा अनाउंस नहीं किया डिविडेंड, सो ऑन सो फोर्थ, आप पहले की कंपनियाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बोनस राउंड। जो जो अभी लास्ट तक रुके हुए उन लोगों के लिए बोनस, अब बोनस है ACC सीमेंट। ACC सीमेंट के बारे में आप जानते होंगे, सीमेंट की कंपनी है। इस कंपनी ने 58 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। और इस शेयर में आपको अगर एलिजिबल होना है डिविडेंड के लिए, तो आपके पास 1 अप्रैल तक आपने शेयर बाय कर लिए होंगे तभी आप होंगे, नहीं बढ़ना नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का एक डिविडेंड डेट 4 अप्रैल है, यानी मंडे को ही, तो आप उस दिन भी बाय करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। इसलिए आपके पास अगर ये शेयर पहले से पड़ा है तो आप इसको बेचने की गलती मत कीजिएगा।
अभी इसको होल्ड कीजिए, आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड मिलने वाला है। ये था बोनस राउंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग हर सैटरडे या संडे को इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं कि किस कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया, जिससे आप लोग डिविडेंड से भी इनकम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक कीप इन्वेस्टिंग, क्योंकि सबको बढ़ने का हक है।